जा रहे थे, सुन मेरी गर्ल, सुन मेरा कहाँ जा रहे थे, मेरी गर्ल सुन, भाई प्लीज रुक रुक जा, अपनी बेटी से मिलने, और आप हमको रोकेंगे नहीं। मैं नहीं रोकूंगा यार, देखो मैं कोई मैं जिद्दी कर रहा हूँ, उसको उसको कुछ मत बोलिए प्लीज, उसको कुछ मत बोलिए, हमारे कुछ मत बोलिए प्लीज। चांद बनने के लिए जुगनू को जलना ही पड़ा। मंजिलों का शौक था, घर से निकलना ही पड़ा। इश्क करना और निभाना आदतें दोनों बुरी थी, हम भी बदले आदतों को, बदलना ही पड़ा। चांद बनने के लिए जुगनू को सॉरी बल्ले बल्ले देवर, आई एम रियली सॉरी। आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने कुलवी को बहुत बैड वर्ड्स बोले। कुलवी को हम समझा लेंगे। मैंने कुलवी को इतने बैड वर्ड्स बोले, आपको कुछ बयान कर दिया है। मुझे तो टू बच एंगर आ गया था, कुलवी की तबीयत खराब है। आई नो मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब मैं अपने मॉम और अपने डैडा को कुलवी की वजह से फाइट करते हुए देखती हूँ, मुझे इतना इतना एंगर आता है। फिर मैं क्या बोल देती हूँ, कैसे बात करती हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। रोते नहीं बेटा, आपको पता है बिल्कुल हमारे जैसे हो, बिल्कुल। अगर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तो कुलवी को लेके यहाँ से चले जाओ। कुलवी को मुझसे क्या चाहिए, मेरे टॉयज, मेरे बुक्स, मैं उसको अपने बेस्ट ड्रेस में दे दूंगी, सब कुछ शेयर कर लूंगी उससे। लेकिन अपने डाडा ने बोला कि कुलवी से फ्रेंडशिप करो, कुलवी नाइस है, उसकी दोस्त बन सकती हूँ, लेकिन वो बाकी फ्रेंड्स की तरह रहता भी ना। डाडा के साथ इतनी बातें कभी नहीं की, लेकिन कुलवी को मेरे डाडा इतना ज्यादा लव करते हैं, ये मुझे नहीं देखा जाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे डाडा मुझसे ज्यादा किसी और से लव करे, ऐसे नहीं होने दे सकती। बने बने थे वो मेरे डाडा के सिर्फ एक ही प्रिंसेस है, और वो मैं हूँ। हमारा सिकंदर सिंगल कह दिया ना, देखना हम सब ठीक कर देंगे। आपके डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो ना आपके लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी। उसने कहा देखी खुशियां रोज अलबेली, जिस घर के अंगना बिटिया ना खेली। बस एक ही है दुखड़ा, क्यों होती है जल्दी बड़ी ये बेटियां घुटने।
बेटियां। चाहे रात हो अंधेरी, कुलदीप हमारा खून है। नहीं, खड़ी है बेटियां, सपना कोई सलो, बेटी का बाप होना है मोतियों की लड़ी है बेटियां, क्यों होती है जल्दी बड़ी है बेटियां। जब देखता विदाई तब आँख डब डबाई, है आंसुओं की एक झड़ी है बेटियां, है आंसुओं की एक झड़ी है बेटियां, है आंसुओं की एक झड़ी है। नहीं रहना चाहिए पापा, हमारा यार है ना, प्यारे जी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनके और सिकंदर जी के बीच में झगड़ा हो रहा है। चलो ना पापा, हम यहाँ से चलते हैं, मेरी जी भी यही चाहती है। आपको अपने पापा पे भरोसा है? हाँ जी, एकदम पूरा का पूरा भरोसा है। तो फिर ये जो आंसू है और ये उदासी, ये उदासी ले दीजिए, फेंक दीजिए। हाँ, मैं आपको ऐसे ही देखना चाहती, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, देखते हुए। अपने हमसे कह दिया ना, देखिएगा कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी बिटिया कुछ कहा तो ना पापा। चाहती है बेटी वो लाता है बाबा, सच उसके सपने कराता है बाबा, जो चाहती है बेटी वो लाता है बाबा। चाहता है कि बेटी जहां भी चले, रास्ते में बिछे फूल ही फूल हो, जहां पढ़ने लिखने को जाती उसको संग लेके जाता है बाबा, जो चाहती है बेटी वो लाता है बाबा। तेरा दर्द मैं सुन सकता हूँ यार, पर अपना दर्द भुला नहीं सकता। अभी देवर ने किसी को कुछ नहीं बताया है, पर कल बता दिया तो क्या मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएगी? सदा खिलखिलाए, बेटी की आंखों में
बारिश ना पहुँचे, वो सर अपने लेता है सारी बलाएं। उसको सुलाने को गाता है बाबा, जो चाहती है बेटी वो लाता है।